यूरी गगारिन, जो कि आउटर स्पेस में जाने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। यूरी सोवियत यूनियन के टाइम पर एक पायलट हुआ करते थे। इनकी हाई स्किल्स के कारण इन्हें कॉस्मोनॉट बनने का मौका मिला था। वोस्तोक प्रोग्राम के तहत इन्हें स्पेस में भेजा गया था और 12 अप्रैल 1961 के दिन यूरी को वोस्तोक कैप्सूल से लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया गया था। पूरी फ्लाइट को कंप्लीट होने में 1 घंटा और 48 मिनट का समय लगा था और ये सतह से 327 किलोमीटर ऊपर तक जा सके। उनके रॉकेट की स्पीड मैक्सिमम पॉइंट पर 27,000 किलोमीटर पर आवर की थी। हालांकि पूरा मिशन ग्राउंड से ही कंट्रोल किया जाना था, पर उन्हें इमरजेंसी के लिए एक सील्ड एनवलप में कंट्रोल की दी गई थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए यूरी ने कैप्सूल को 7 किलोमीटर ऊपर ही इजेक्ट कर दिया और एक खेत के ऊपर पैराशूट के माध्यम से लैंड हो गए। कमाल की बात तो यह है कि यूरी एक आलू के खेत में लैंड हुए, जहां एक लड़की और उसकी दादी को ऐसा लगा मानो एलियंस आ गए हों। बाद में यूरी ने क्लेरिफाई किया कि वह कोई एलियन नहीं बल्कि सोवियत यूनियन के एक कॉस्मोनॉट हैं।